मैं एक चीज बड़ी गंभीर आपके बीच में लेकर आया हूं, उस विषय को आपको ध्यान में रखते हुए। हो सकता है इसे फिर कुछ लोग मेरी भड़काऊ बात कहें, हो सकता है मुझे नहीं पता इसे किस किस तरीके से ये मीडिया वाले लेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हर मंगलवार को बाजार लगते हैं, फेनी वाले खोमचा वाले बाजार लगते हैं, सब्जी के बाजार लगते हैं, पूरे देश में कहीं शनिवार को कहीं शुक्रवार को बाजार लगते हैं। लगते हैं ना, मेरा हाथ उठाकर बताइए, लगते हैं ना? आप तो वहीं से खरीदते हैं ना, सब्जी खरीदते हैं ना? क्या आपने कभी देखा कि जितनी थैली लगती है, जितनी दुकानें लगती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी नोट किया उन थैली दुकान वालों से करीब 4-5 बजे के आसपास कोई व्यक्ति थैला लेकर आता है और वो थैला लेकर आकर उनकी 100-150 रुपए की रसीद काटने का काम करता है? आपने देखा होगा 100-150 रुपए की रसीद काटता है, और वो किसकी काटता है? वो इकबाल की काटता है, वो जावेद की काटता है, वो मकबूल की काटता है, वो किसी रामपाल की नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि जितने वो वहां पर्ची देने वाले हैं वो 80% इकबाल, मकबूल और मकबूल हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है, ये उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपया और हिंदुस्तान में अरबों रुपया हर महीना इकट्ठा होता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि वो रुपया जा कहां रहा है? जो इकबाल नाम का आदमी आता है और पर्ची काटकर चला जाता है, वो रुपया जा कहां रहा है? दोस्तों, मैं एजेंसियों से कहना चाहता हूं, पुलिस से कहना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। वो रुपया कहां जा रहा है? किसी कोई अकाउंट नहीं है। वो क्या हिंदुस्तान में नया हमास जैसा आतंकवाद खड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी हो रही है क्या? क्या वो फंडिंग इकट्ठी की जा रही है क्या? आप समझिए दोस्तों, वो इसी तरीके का कुछ बड़ा करने के लिए फंडिंग इकट्ठी होती है, हर हफ्ते इकट्ठा की जाती है वो फंडिंग। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी तो ध्यान दे ही रही है, देंगे भी, लेकिन इस तरीके के लोगों को मुंह पर चलने का काम भी हमें लोगों को करना है, हमें ही करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हर वो ऊंचाई इकट्ठा होकर आतंकवाद का नया काम शुरू किया जा रहा है और हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा किया जा रहा है, नया हमास जैसा आतंकवादी खड़ा किया जा रहा है। इसका जवाब देने की जरूरत है, इसे पकड़ने की जरूरत है, और एजेंसियों से मैं कहता हूं कि इसकी जांच करें। और इस तरीके के लोगों को, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जितने इस तरीके के फेली रेडियो दुकान वाले हैं, इनका बहिष्कार भी करिए, जिससे ये पैसा देना बंद करें और देश के साथ खड़ा होने का काम करें। उन्हें पता है किस लिए जाता है। मैंने बहुत पहले उठाया था रंगे हाथ का मामला, जांच हुई तो जो मैंने कहा वही निकला था, इसकी भी जांच होगी, जो कह रहा हूं 100% सही निकलेगा। आप देख लीजिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।